जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आप बात कीजिए। अच्छा जी, तो साहब इस तरह है, मैंने इस्तखारा बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे आपने कल मुझे तरीका बताया है। जी जी जी, उसी तरीके। जी जी, मियां साहब के भाई है, उनके साथ हमने पार्टनरशिप की। हाँ जी, उनके भाई ने 13 साल पहले, मेरे मियां साहब के भाई ने 13 साल पहले पार्टनरशिप की, बिजनेस की, जब हमारे हालात थोड़े खराब थे। जी जी। अब 13 साल के बाद हालात दोबारा ऐसे हो गए कि वो पार्टनरशिप तोड़नी पड़ गई हमें। जी। तो हमने इस्तखारा किया, लेकिन इस्तखारा हमारा ठीक नहीं आता, लेकिन उनके बड़े भाई हमें दोबारा दोबारा कहते हैं कि मैंने आपके बुरे वक्त में साथ दिया, लेकिन आप हमारा साथ अब नहीं दे रहे, हालांकि उनके हालात हमसे काफी बेहतर है। जी। तो अब मैं परेशान हूँ कि क्या हम गुनाहगार तो नहीं है कि हम एक भाई का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि थोड़े वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए इस चीज को लेके। देखिए सिस्टर, ऐसा है कि जहाँ इंसान दिली तौर पे इस्तखारे के बाद दिली तौर पे मुतमईन ना हो रहा हो तो वहाँ पे वो काम ना करे। रहा जहाँ दूसरे लोगों के साथ इंसान। जी मेरी आवाज़ पहुँच रही आपको? हेलो, नहीं आवाज़ नहीं आ रही सर। आप जो है वो उधर से सुन लें, जवाब वहाँ से सुन लें, अगर यहाँ पे आवाज़ नहीं। आपका सवाल मेरे पास आ गया है। जी 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 जी, मेरी आवाज़ इंशाल्लाह ताला उन तक पहुंच रही होगी, शायद फ़ोन के सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम थी। याद रख लें कि अगर कोई इंसान जो है वो इस्तखारा करने के बाद किसी साइड पर उसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा है तो वो बिज़नेस अगर वो दोबारा ना करे तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं हो रहा है। कोई लाजमी नहीं है कि आप जो है जो हमारी सिला रहमी है भाइयों के साथ बहनों के साथ वो सिला रहमी होनी चाहिए, लेकिन जो माली हुकूक होते हैं ना, बिजनेस करना है, ये करना है, वहाँ करना है, वहाँ हर एक बंदा अपने अपने मामलात में मुहतात होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ या तो फिर आप रहम दिली करते हुए उनकी वैसे कोई हेल्प कर दें तो ठीक है, आप वैसे उनको जो है वो बिजनेस में पैसा दे दें कि आप ये जी हमारी तरफ से आपको पैसा है, आप बिजनेस करें, ये करें, वो करें, या फिर इस उम्मीद पे दे दें कि ठीक है जी प्रॉफिट आ गया तो ठीक है, ना हुआ तो हम समझेंगे हमने ये पैसा इनको दे दिया। लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं कि नहीं हमारा भी हक है कि हम सही हों, तो ऐसी सूरत में इस्तखारे का मतलब यही होता है कि अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो रहा उस साइड पे, या आपको कोई पहले ऐसे अच्छे तजर्बे नहीं हुए हैं, तो ऐसी सूरत में फिर आप वो इस्तखारे का मतलब यही होता है कि फिर आप वो काम ना करें। यह है मतलब इस्तखारे का। बाकी मजीद इंसान अपने पर्सनल हालात वो खुद जानता होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। वल्लाह आलम बिस्सवाब।